आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीमेल और ईमेल के बारे में। जीमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है। आप में से कई सारे लोग मुझे मैसेज डालते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपकी एक ईमेल मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो उनका आंसर रहता है हमारे पास ईमेल नहीं है, हमारे पास जीमेल है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हम लोगों को नहीं मालूम होता, ठीक है। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जब सबसे पहली बार मैंने ईमेल का यूज़ किया था, किसी ने सिखाया था, मेरे फ्रेंड ने ऑफिस में काम करता था, तो उसने मेरी एक आईडी बना दी और मैंने किसी को मेल किया। एक्चुअली में मैंने उसी को मेल किया और मेरा क्वेश्चन था कि मैंने ये ईमेल कर दिया है, कितने दिनों के बाद ये ईमेल पहुँचेगा। बट ईमेल तो अगर सही ईमेल एड्रेस डाला हो तो विद इन अ, आप बोल सकते हैं विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के अंदर उस बंदे को ईमेल मिल जाता है। पर मुझे नहीं मालूम था, मालूम पड़ गया। उसी प्रकार से आप लोगों को भी नहीं मालूम है तो आप लोगों को सीखना है। पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ईमेल को हम लोग क्या बोलते हैं। ईमेल का मतलब होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अभी जिस प्रकार से पहले हम लोग मैसेजेस भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे, ठीक है जी, पहले तो चिट्ठी होती थी, ठीक है जी, फिर फैक्स होने लग गए, ठीक है, उसके बाद लोग पेजर यूज़ करने लग गए कम्युनिकेशन के लिए। अब ऑफिसेस के अंदर चाहे आप एक शेफ हो, कुछ भी हो, अगर आपके आपको आपके सीनियर्स को बताना होगा तो आप सिर्फ मुंह से बोल के नहीं बताओगे, आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में उसको देना पड़ेगा। रिटर्न का मतलब होता है कि भाई वो चीज़ें सबको पता चल रही है और आप एक साथ कई लोगों को भी एक ईमेल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके 5 सीनियर हैं तो 5 लोगों को 5 बार जाके नहीं बोलना है, एक बार अगर आप उनको ईमेल कर देंगे, सबका ईमेल एड्रेस वहाँ पर डाल देंगे तो सबके पास चला जाएगा। और इसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में समझा जाता है कि भाई ये एक तरीके से प्रूफ है, कुछ भी आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लोग रेजिग्नेशन इससे देते हैं, लोग जॉब के जो ऑफर्स आते हैं ईमेल के थ्रू ही देते हैं। अब ईमेल क्या होता है, ठीक है जी। ईमेल का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल की कई सारी कंपनी है, जैसे हमारी याहू है, जीमेल है, ठीक है, हॉटमेल है, ठीक है, और भी कई सारी हैं, तो बट बेसिकली सब लोग जीमेल का यूज़ करते हैं। पहले याहू का यूज़ होता था बहुत ज़्यादा, अब जीमेल का यूज़ होता है। तो ईमेल और जीमेल दोनों एक ही है। ईमेल एक बोल सकते हैं कि ईमेल एक प्रकार से सिस्टम है और उस सिस्टम को कई सारी कंपनी यूज़ कर रही है, जैसे कि जीमेल जिसको कि हम लोग गूगल बोलते हैं, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, और भी कई सारे हैं। इवन अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी भी बनाना चाहो वो भी बन जाती है, बट उसके कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है जी। जो वेबसाइट वगैरह का थोड़ा जिनको बारे में मालूम है उनको इस बारे में पता होगा। तो आप अकाउंट कहीं पर भी बना सकते हैं, चाहे जीमेल हो चाहे याहू, बट इस समय आपका जो जीमेल सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो अब ये दूसरा हो गया, मीनिंग हो गया जीमेल की, ईमेल की कंपनीज होगी हमारी, जीमेल की याहू वगैरह होगी। तीसरा हाउ टू यूज़, कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस मालूम होना चाहिए, जैसे कि मेरा है chefdheerajbhandari@gmail.com, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगा। अगर किसी को मुझे ईमेल करना है तो वो मुझे यहाँ पे टू में क्या डालेगा, मेरा ईमेल एड्रेस डालेगा। और ईमेल एड्रेस आप सही डालेंगे तभी आप उस बंदे को मेल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक बंदे को करना है तो आप टू में डाल दोगे मेरा ईमेल, या जिसका भी आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बट ईमेल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं, थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका सीसी आ जाएगा, ठीक है ना। सीसी का मतलब होता है कि भाई कार्बन कॉपी। और टू में आप कई सारे लोगों का डाल सकते हो, मान लीजिए जैसे कि आपने मेरा डाल दिया, मेरे असिस्टेंट का डाल दिया, मेरे तीसरे असिस्टेंट का डाल दिया, या आपने अपने एक शेफ का डाल दिया, दूसरे शेफ का डाल दिया, तीसरे शेफ का डाल दिया। आप इस तरीके से कई सारी ईमेल्स डाल सकते हो। लिमिट क्या होती है मेरे को भी इतना ध्यान नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक, ठीक है जी। तो ये हो गया टू में। उसके बाद आपका होता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, कि एक बंदा इंपॉर्टेंट है और बाकी लोगों को भी आप इंटीमेट करना चाहते हो। मतलब कि जैसे आपने अपने एग्जीक्यूटिव शेफ को एक मेल कर दिया और आपने सीसी में अपने जितने भी शूज हैं, सीडीपी है, कॉमी लोगों को सबको सीसी में रख दिया कि भैया मैं बॉस को मेल कर रहा हूं और आपको भी इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सीसी को मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब तीसरा यहाँ पे आता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आप नहीं चाहते हैं कि भाई कि जो बीसीसी में जिसका ईमेल होगा उसको पता चले, ठीक है, कि भाई आपने जो टू और सीसी में किसी को भेजा है। मान लीजिए आप सबको ईमेल भेजना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि दूसरे को पता चले, तो जिनको नहीं पता चले आप उनको बीसीसी में लिख देंगे, ताकि जो टू और सीसी वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस किस को मेल कराए। नहीं तो अगर टू और बीसीसी करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, टू और सीसी करेंगे तो पता चल जाएगा, बीसीसी में पता नहीं चलेगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत शब्द भी लिख देंगे तब भी चलता है, बट एक्चुअली में जो आप उसकी बॉडी में लिख रहे हैं, अंदर क्या लिख रहे हैं। मान लीजिए अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब के लिए आप लिख सकते हैं इंटरव्यू,
ठीक है, अगर आप कहीं रेजिग्नेशन दे रखें तो रेजिग्नेशन, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है उसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी आती है भाई पूरा का पूरा टू द प्रिंसिपल या टू द सर, टू शेफ, ये वो जो भी है कुछ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ड्यूटी रोस्टर भेजना है, कोई मेन्यू भेजना है, रेजिग्नेशन भेजना है। रेजिग्नेशन आप सीधा लिख भी सकते हैं या फिर आपको टाइप करना पड़ेगा, या फिर कोई अटैचमेंट के थ्रू आप भेज सकते हैं, जैसे कि हम लोग रिज्यूम्स भेजते हैं अपने अटैचमेंट के थ्रू। यहाँ पे एक्सेल वाली फाइल भी अटैच हो जाती है, ठीक है, आपकी पीडीएफ भी अटैच हो जाती है, कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और लास्ट में आपका आता है सेंड, सेंड का बटन आपको क्लिक करना है और आपका ईमेल चला जाएगा जिस बंदे को आपने भेजा है। तो इस प्रोसेस को यूज़ कीजिएगा, हमको मेल लिखिएगा, देखते हैं कि आपको मेल लिखना आता है कि नहीं आता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, जीमेल ईमेल इतना कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अब वीडियो में मैंने ईजिली आपको समझा भी दिया है। और इवन अगर आप देखेंगे, हम जैसे रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज भी करते हैं, ईमेल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल आपको एक प्रोफेशनल शेफ़ बनाने की हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग कैरियर वाइज अच्छा कर पाओ और मॉनेटरी वाइज भी आप अच्छा कर पाओ। सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तभी आप करोगे, चीज़ें समझ के आसानी से आप भी सब कुछ कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे लिखेगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।